फिजिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के पहले चैप्टर की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नेम है, जिसका बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले से ही, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं और यह टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन किसने किया और किस तरीके से किया। जैसा कि हम जानते हैं, प्लास्टिक का कॉम्ब को जब हेयर्स पर रब किया जाता है तो हम देखते हैं कि वो आफ्टर रबिंग पेपर के छोटे छोटे पीसेस को, डस्ट के पार्टिकल्स को और अदर लाइट थिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इसी तरीके की प्रॉपर्टी आज से लगभग 2600 ईयर्स बिफोर साइंटिस्ट थेल्स ने एक सब्सटेंस में देखी थी। इस सब्सटेंस का नाम था एम्बर। सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी देखी थी उस सब्सटेंस का नाम था एम्बर। इस सब्सटेंस को रब किया था फर के साथ। फर कैट स्किन को कहा जाता है, कैट की स्किन है। इसी तरीके की जो एनिमल्स की स्किन होती है, हेयर्स वाली, जिसे कहा जाता है फर। इस स्किन के साथ जब एम्बर का फ्रिक्शन किया, उसकी रबिंग की, तो देखा एम्बर में भी प्लास्टिक के कॉम की प्रॉपर्टी जनरेट हुई थी। यानी एम्बर भी छोटे छोटे टुकड़ों को, लाइट थिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ये प्रॉपर्टी आगे हम देखते हैं 16th सेंचुरी में। इन 1600 सेंचुरी या 16th सेंचुरी में साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट सिक्सटीन हंड्रेड में ये प्रॉपर्टी कई सारे सब्सटेंस में देखी। ये सब्सटेंस थे रबर, ग्लास, वैक्स एक्सेट्रा। इस सब्सटेंस में भी और भी कई सब्सटेंस है, प्लास्टिक है, इनमें ये प्रॉपर्टी विलियम गिलबर्ट ने देखी थी। इसके बाद में थॉमस ब्राउन, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था इलेक्ट्रिसिटी। नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों दिया गया? क्योंकि जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, एम्बर, इस सब्सटेंस को ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है।
और इलेक्ट्रॉन की वजह से एम्बर में मौजूद प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया और ये डिस्कवरी थॉमस ब्राउन के द्वारा की गई थी। साथ में ये भी बताया गया कि ये प्रॉपर्टी जिस सब्सटेंस में देखने में मिलती है उन सब्सटेंस को हम चार्ज बॉडी कहते हैं। जो सब्सटेंस जैसे ग्लास की रॉड है, प्लास्टिक कॉम है, एम्बर रॉड है, एबोनाइट रॉड है, इन सब में जो प्रॉपर्टी देखी जाती है उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है चार्ज, और उस बॉडी को कहा गया है चार्ज बॉडी। आगे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुआ। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे बना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ सो मैनी एटम्स, मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं और प्रत्येक एटम के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मैटर के अंदर एटम रहते हैं, एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। अब हम ये भी जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटम का सेंटर पार्ट बनाता है और इस सेंटर पार्ट को कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एटम के स्ट्रक्चर का एक डायग्राम यहां पर आपके सामने है बनाया जा रहा है, उसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझ सकते हैं। ये एटम का सेंटर पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट है और एज सून एज ये एक लास्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक वीकली इलेक्ट्रिक फोर्स से बाउंडेड रहता है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, इस पर फोर्स कम लगता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद रहता है। ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कैसे होगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, आइए हम समझते हैं इसको। हमने
एक सब्सटेंस लिया ए और दूसरा सब्सटेंस लिया बी, ए एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है, इनके बीच में हम रबिंग करते हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन करने से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का फ्री इलेक्ट्रॉन ए में से बी में या बी में से ए में ट्रांसफर हो जाता है। यह डिपेंड करता है कि किसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें से बी के अंदर, सपोज ए में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए में से फ्री इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, सपोज कीजिए ए में जा रहा है, ए में से बी में ट्रांसफर हो रहा है, और ए में से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ए में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बी में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये दोनों, इस दोनों में एटम अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस होने का मतलब है ए में प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में और बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से दो तरीके के चार्ज जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है इलेक्ट्रिक चार्ज के जनरेट होने की। अभी तक हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक पढ़े हैं, अगले टॉपिक्स आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड स्टडी करते रहिए और आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।